एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ सुरक्षित सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ हम वस्त्रों के बारे में बात कर रहे थे। साथ में रंग हमारे जीवन में क्या कर सकता है। आप सब विभिन्न रंग पहन के ही आए हो। हम लोग तीर्थ में सफेद पहनने पुरुष को लाल, स्त्री को कहते हैं हर बार। क्या कारण है हमारा, ऐसा क्या कारण है कि आप ऐसे कहते हो? कारण यही है कि सफेद दैविक ऊर्जा को निरंतर खींच के शरीर में डालता है और काला निरंतर दुष्ट शक्तियों को खींचता है। किस शक्ति को? ये तीर्थ वर्ल्ड में एक तीर्थ है पूरे विश्व में जहाँ काला पहने हुए व्यक्ति को अंदर प्रवेश ही निषेध। इतना हम स्ट्रिक्ट है, काला पहन के कोई आया गेट से बाहर खड़, क्योंकि तेरे काले से तुझे दुखी होने वाला है। समझ रहे? तो क्या करें महाराज, आप में किस किस को क्या चाहिए उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। जिसको अपने काम को खूब आगे बढ़ाना, क्या बढ़ाना, कौन चाहते हैं काम आगे बढ़े? तो अपने काम को आगे बढ़ाना हो तो बुधवार के दिन, किस दिन? ऐसा हरा या ऐसा हरा, पैरेट ग्रीन और बॉटल ग्रीन, ये दोनों, वो बॉटल ग्रीन है ये पैरेट ग्रीन है। इसका खाली देखो, ऊपर का कपड़ा ही मायना रखता है, नीचे कोई शरीर में चक्र नहीं है, पैंट का कोई लेना देना नहीं है, पैंट का रंग कोई भी हो ठीक चलता है, लेकिन शर्ट का रंग, वो रंग को अंदर आप बोलोगे रंगों में क्या पड़ा है महाराज, रंग कुछ नहीं करता। इंफ्रा रेड रेस के बारे में सुने होंगे, जो पीठ दर्द कमर दर्द के रोगियों को लाल रंग की लाइट से सेकाई करते हैं, और जैसे ही लाल रंग की उस लाइट से सेकाई की, पीठ का दर्द और कमर का दर्द बिल्कुल, इतना तो जानते हो ना। अगर वो रंग तो पीला रंग से डॉक्टर क्यों नहीं करता महाराज, वो लाल से क्यों करता, ब्लू से क्यों नहीं करता? तो लाल रंग हड्डियों में पहुंचता है तो अंदर रही हुई तनाव को समाप्त करके शरीर को शिथिल करके स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो हर रंग में शक्ति है, इसीलिए डॉक्टर अलग अलग रंगों से अलग अलग इलाज करते हैं। तो डॉक्टर के पास जाना के पहले ही आरोग्यमय रहना, आप बताओ। तो जिसको काम बढ़ाना है क्या करना है, अपना काम में बल लाना है। दो फायदा मैं बता रहा हूँ, तो मैं शास्त्र की बात बता रहा हूँ, इससे भी आपका काम सिद्ध होगा। वो शास्त्र किसी संत के मुंह से निकल रहा है, वो संत वाणी है, इसलिए भी ये फलित होके ही रहेगा। समझ रहे हो? इसलिए बुधवार के दिन हरा वस्त्र, वो हरा कोसा भी हरा होना, यहाँ बहुत सारे अलग अलग हरे रंग के लोग बैठे, बच्ची एक अलग रंग में है वो भी हरा है, ये अलग रंग है ये हरा, ये पैरट ग्रीन है वो भाई एक हरा रंग में बैठी है वो भी एक हरा है, और भी हरा रंग देखिए ये एक हरा है, फ्लोरोसेंट ग्रीन है ये, क्या है ये फ्लोरोसेंट ग्रीन, ये पैरट ग्रीन, ये बॉटल ग्रीन, ये ऑलिव ग्रीन, कितने ग्रीन है। तो ये सब में कुछ भी पहन सकते हो उस दिन, अगर हर बुधवार को ये करोगे 16 बुधवार, कितना, कम से कम एक बुधवार भी छोड़े बगैर अगर 16 बुधवार ये करते हो, तो 16 बुधवार के अंदर ही आपके काम में जरूर कोई ना कोई उन्नति और तरक्की होगी, गारंटी की बात है। ज्यादा रंग इतना काम करता है, समझ गए? आज भज सो काले भज सो, भज सो पारस उसमें भी क्या है, क्या है वो, भक्ति रंग है। कौन सा रंग है? हाँ, वो भक्ति रंग है। और हम तरह तरह के रंग की बात करते हैं, किसी को पुत्र नहीं होते हो, क्या नहीं होते हो, पुत्र नहीं होते हो, तो
तो कोई भी जरी का डिजाइन वाला वस्त्र हो, पुरुष स्त्री दोनों को एक साथ शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र बराबर 21 शुक्रवार धारण करें और बराबर दोनों जोड़े से धारण करें। इसमें एक का चलेगा नहीं, पुत्र एक से होगा है? तो दोनों को सफेद वस्त्र 21 शुक्रवार धारण करना। स्त्रियां कहती है कई बार, महाराज हम सफेद धारण नहीं करते, हम तो सुहागिन हैं। तो सफेद में कोई रंग का जरी हो, रंग के डिजाइन हो, पहन सकते हैं। बेस क्या होना चाहिए? अंदर लाल हो, पीला हो, सब हो, बेस सफेद हो। 21 शुक्रवार ऐसे पहनोगे तो ये शुक्र ग्रहों में जो अंतरिक्ष में शुक्र है उसकी तरंगों को, ये जितने रंग आप पहनते हो इसमें बदलाव इसलिए आता है कि ये रंग कुछ ग्रहों की शक्ति को जल्दी अपने अंदर खींच खींच के डालता है। और जब उस रंग का, मैं क्यों हरा पहनने बोला, अब उसका विश्लेषण बताता हूं कि जब आप हरा पहनोगे तो बुध के ग्रह की शक्ति को अपने में खींचने लगोगे। जब बुध की शक्ति आप में बढ़ेगी, मणिपूरक चक्र आपका बहुत तेजस्वी हो जाएगा। जब भी मणिपूरक चक्र तेजस्वी हो जाता है, आप धन को फटाफट अपनी तरफ खींचने लगोगे, धनवान बन जाओगे, बड़ी शक्तिशाली। समझ रहे हो? पुत्रहीनों को कौन सा कपड़ा? लेकिन डिजाइन वाला। अगर आपको सफेद नहीं पहनना हो तो पुरुष तो प्लेन पहन सकता है, उसको वो क्या, वो कौन सा सुहागिन हो तो सुहागिन, ये सब परमानेंट सुहागिन है। बेचारी औरत को देखो, भगवान ने, पति है तो ही सुहागिन है, ये तो पत्नी जाके भी सुहागिन है, तो ये नया सुहागिन टाइप का है। तो आदमी प्लेन व्हाइट पहने, अगर स्त्री को लगे कि मैं कोरा सफेद कैसे पहनूं तो डिजाइन वाला सफेद पहने, लेकिन 21 शुक्रवार पहने तो निसंतानों को अधिक से अधिक 90% तक संतान होने की संख्या बढ़ जाती है। फिर भी 10% इसलिए बाकी रहता है, और कोई दूसरा उपचार उनके तकदीर में लिखा हो तो वो भी करना पड़ेगा, बाकी होता तो है ही है। अब अनेक प्रकार के डर, परेशानी, शत्रु भय से कई लोग पीड़ित होते हैं। किन्हीं किन्हीं लोग को घड़ी घड़ी पुलिस परेशान करती है, किन्हीं किन्हीं लोगों को घड़ी घड़ी कोई ना कोई पड़ोसी, शत्रु, दुश्मन परेशान करता है। ऐसे कोई परेशान लोग हैं क्या यहाँ? ये देखो सब परेशान। क्या रे बेटा, कहाँ से आया? जोधपुर से। जोधपुर तो मारो गांव है रे बाबू। जोधपुर करने सोचत है गई। हाँ, बगड़ी देखा गुरुदेव। हाँ, बगड़ी को, बिगड़ी को बगड़ी बनाया मैंने। बैठ जा बेटा, तेरा नाम क्या? शंकर। शंकर, देखो शंकर जोधपुर का कंकर ना यहाँ बैठा हुआ, शंकर दोनों एक समान है। अब ऐसे मेरे भाई, किस किस को डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, शत्रु भय करता, हाथ ऊंचा करो। तो शनिवार के दिन, किस दिन? शनिवार के दिन ब्लू कलर का, ये जो देखो हमारा ये वीडियो काटने वाला बच्चा है ना, उसके कपड़े का रंग देखिएगा, उतना ब्लू हो तो बस, बहुत काला नहीं पहनना। मैंने बोला कि काला पहनने से भी दुष्ट शक्तियां, ये देखो ये ब्लू। तू कहाँ से आए बेटा? खड़े हो जा, अपना ड्रेस दिखा एक बार, खोल के नहीं ऐसे ऐसे भी दिखा देते कहीं। तो सुन लो भाई, ये रंग देखा ना, शनिवार के दिन ये रंग का कपड़ा पहनो। आपको लगेगा ये कपड़ा क्या कर सकता है, आप ये कपड़ा पहनने के बाद आपकी अनाहत चक्र, जो हृदय चक्र है, इसमें शक्ति प्रवेश करने लगेगी। सिर्फ 9 शनिवार में आप देखोगे कि जो जो लोग आपको डरा रहे थे आपसे डर के दूर भागेंगे, कई दूर दूर भागेंगे। अच्छा हुआ कि शर्ट का बताया, पैंट का बोलता तो क्या कोई बोलने लग जाए। तो शर्ट की बात है। तो मेरे भाई, ऐसे रंगों में बड़ी शक्ति है। मैं देखता हूँ, यहाँ बताओ, पिंक कलर का पैंट मारे हुए घर वाले वहां बैठे हैं, जिनके घर का बार पिंक रोज कलर मारा हुआ है, तो रोज कलर का पेंट मारे तो क्या होगा? हमारा पैसा नहीं टिके, क्या होगा? भाई बैठे हैं, ए भाई देखो तुम ही बेल। हाँ, पिंक कलर का, जब भी आप पिंक कलर पेंट करोगे
तो कितना भी कमाओ, भले वो 50,000, 2,00,000, 5,00,000 महीने की कमाई होगी, लेकिन महीने के अंत में कुछ नहीं बचेगा, गारंटी सेविंग्स नाम से कुछ नहीं होगा। अगर एक्सटीरियर में पिंक हो तो बाहर में, बाहर में पिंक सिटी बोलते हैं ना जयपुर को, क्या बोलते हैं, हाँ, तो जितना बाहर में पिंक कलर लगा हो, अंदर पैसे की कमी होगी, आप ये समझ लो। और कपड़े में अगर पिंक पहने हो तो खूब क्रोध आएगा, क्या होगा, कम से कम पिंक कलर का यूज करना, पिंक लेडीज का फेमस कलर है, कोई भी पर्स रखे, कोई भी चीज रखे, लेडीज कौन सा रखती है, और लेडी कलर फेमस हो गया इसलिए घर घर में लड़ती है लेडीज। अब आपको लेडीजों का लड़ाई का कारण में ये भी एक उपकारण, क्या कारण है, लड़ाई कौन पहले शुरू करते है भाई, वो बता बोल नहीं सकता क्योंकि उसका एक लड़ाई अलग घर जाए, उसकी एक अलग लड़ाई शुरू हो, इसलिए भैया वो नया लड़ाई क्यों शुरू करें, साथ बैठे बाकी रामलाल जी को पूछे तो बता दे कि क्या है भाई। हाँ चलो, तो अब इस प्रकार से रंगों के परिणाम है कि अपने जीवन में रंग क्या काम करते हैं। और मैंने बताया कि जरी का कपड़ा क्या काम करता है, जरी का कपड़ा आपके पास है तो आपको कोई भी दुष्ट शक्ति सता नहीं सकती। जरी का कपड़ा पहनने वाले के सामने कोई भी क्रिया, तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया पहुंच नहीं सकती, वो जरी उसको मार देती है। उसके बाद ऊनी का कपड़ा, कौन सा कपड़ा, आपने देखा ना ऊन का कपड़ा, आसन कोई बैठे थे यहाँ, ये देखो ये ऊनी होगा नीचे, क्या ऊन है, नहीं नहीं तो जिब्बा है, ऊन का आसन। उसके बाद कॉटन, क्या, प्यूर कॉटन, रुई का कॉटन। और आजकल जो सिंथेटिक आए हैं तरह तरह के, आपको दुख देने वाले हैं, खुद ही आर्टिफिशियल है, तो आपके जिंदगी को भी वो दुखी करेगा। तो वस्त्र का कपड़ा भी अच्छे से देख के समझ के लेना चाहिए, और रंग भी देख समझ के, तो महाराज परमानेंट पहन सके अधिक से अधिक। वो कौन सा रंग है, ऐसा कौन सा रंग है जो हरदम कभी यूज करें कोई परेशानी नहीं, ये दुनिया में कोई भी कभी यूज कर सकते हैं, उसमें कभी परेशान नहीं आएगी, हरदम फायदा ही फायदा आएगा, वो पीले रंग से होता है। किस रंग से, तो आप मालूम पड़ा कि हम लोग पीला रंग का ही वस्त्र क्यों देते हैं पूजा में, साड़ी में, क्योंकि पीला रंग, अभी देखो हमारा पुराना वस्त्र जो भी धाम में दिए हुए लेके लोग आए हैं, वो कौन सा रंग है भाई, केसरिया पीला, हमने वही दिया आज तक हर कार्यक्रम में वही दिया ना भाई। तो ध्यान रखो, पीला वस्त्र आपको बहुत लाभ करेगा जीवन में, उसमें सब कुछ आएगा, ज्ञान, धन, सुख, शांति, ये लाभकारी है। कौन सा, सफेद लाभकारी है, लेकिन सफेद आपको शांति और प्रेम देगा और जीवन में श्रेष्ठता देगा। पीला तो तेज और धन देता है, क्या देता है, नीला शत्रु भय से मुक्ति कर देता है, ऐसा नीला, ऐसा कोई पहन लिया तो थोड़े दिन में उसके अंदर शक्ति प्रकट होती है, दुश्मनों के मुंह स्तंभित हो जाएंगे। मैं इसलिए बताता हूँ कि कई लोग तो इन दुश्मनों से बचने के लिए डोरे टोट के ये करने में दौड़ते रहते हैं, वो जो कराता है वही एक दुश्मन है। इसलिए अपनी बुद्धि से इन चीजों से रक्षा पानी चाहिए, किससे, तो जब आप बुद्धि से रक्षा पाओगे, आपकी बुद्धि आपकी कल्याण कर देगी। लाल वस्त्र का मैंने बताया, आप देखो, आपको एक छोटा सा सरल उपाय बताता हूँ, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसे भी होता है क्या, कभी आपका जमीन नहीं बिक रहा है, होता है ना ऐसे, कभी आपको कोई जमीन खरीदना है, कभी आपको खुद का घर खरीदना है, खुद का घर नहीं हो रहा है, ऐसे कई लोग होंगे ना भाई, उनको मंगलवार के दिन ऐसे लाल कपड़ा पहननी चाहिए। अगर 13 मंगलवार पहन के मन में कल्पना करोगे कि भगवान मंगल इस रूप में मेरे साथ है, क्या कल्पना करना, भगवान मंगल इस रूप में मेरे साथ है, इस रंग में मेरे साथ है, मंगल भगवान की जय हो, ऐसे बोल के पहन लोगे, 13 मंगलवार के अंदर जो जमीन नहीं बिका बिक के ही रहेगा। इतना सरल उपाय है जमीन बेचने का, सिर्फ ये वस्त्र पहन के ही बिक जाता, कोई टोटका करना न कोई डोरा,
कैसा है देखो, जिसका घर नहीं हो रहा मंगल मंगलवार को, किस किस के खुद के घर नहीं हो रहे महाराज, और किसकी इच्छा होनी है, तो उन सबको मंगलवार के दिन स्त्रियों को खास करके लाल वस्त्र पहन के कुल देवी की पूजा घर में, भाई कुल देवी की पूजा करके प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ मेरा अपना घर हो जिस घर में तेरी मैं स्थापना कर सकूँ, ऐसी कृपा कर, तो जल्दी से जल्दी आप सबका घर हो जाएगा। और अभी जो 10 तारीख को लक्ष्मी पूजन होगा उस दिन मैं विशेष करके आपके लिए धनलक्ष्मी की पूजा कराऊंगा, उस समय सबका खास का घर हो इसका विशेष जाप कराऊंगा। मेरा तो जहाँ तक प्रार्थना है, मेरी शक्ति जहाँ तक है कहती है कि अगली बार आओ तो सब अपने अपने खुद का घर वाले बन के आओ, ये मेरे भाव। तो ये भावना किस किस के खुद के घर नहीं है, तो इसके लिए कुछ करूंगा मैं, आप खास करके आप सबके लिए मैं कुछ करूंगा, अवश्य कोशिश करूंगा कि कुछ हो जाए, उसके लिए अब सोचता हूँ क्या करें। लेकिन लाल रंग का वस्त्र मंगलवार को पहनने से क्या क्या हो सकता महाराज, उदारी चुप सकती है, उदारी है तो वो चुपती है। मंगलवार को लाल पहनना, उस कामना से पहनना, वैसे तो लाल कितनी बार पहना है महाराज, कुछ हुआ क्या है, दवाई को भी ये दवाई ठीक करेगी, ये भाव से लो तो ही दवाई काम करेगा, ध्यान रखना। इस वस्त्र को पहनते समय मेरा ये काम है, ये सोच के पहनो तो ही वो रंग तुरंत वो संकल्प में पड़ेगा जाके, और वो संकल्प सिद्ध होगा। अब ये मंगलवार में लाल पहनो क्या क्या होगा, उदारी चुक जाएगी, क्या होगी, कई लोग उदारी वाले होते हैं यहाँ बहुत बैठे हैं जिनका देना ही देना है, जब आप देने के कारण फोन भी नहीं उठाते, वही कमी भंडार वाले सब, और देखते ही मैं बता दूं कि ऐसे कमी भंडार का क्या चक्कर, और वहां से फिर कमी भंडार वाले क्या दूसरी जगह जाके छुपते हैं, उनके पूरे इतिहास खोलूं तो अच्छा नहीं लगे, कहां से आया गांव, तो यूपीएल की सूरत से सब कहानी बताऊं। तो सुनो मेरे भाई, तो लाल वस्त्र मंगलवार को पहनने से ऋण चुक जाता है, अपना घर हो जाता है, कोई विशेष बीमारी हो तो वो बीमारी भी उसी मंगलवार को लाल कपड़ा पहन के, समझो यहाँ कोई गांठ है या कोई गांठ है या कुछ है, डॉक्टर बोल रहा है ऐसे वैसे, चमत्कारिक रूप से गुरुदेव को कृष्णगिरी को याद करके मंगलवार को जिस लाल कपड़ा पहन के तुम मस्ती से घूमोगे, कुछ दिन में देखोगे कि ना डॉक्टर ना चक्कू अपने आप गायब। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, तेरे दिया तेरे से आया जब से, मैं पल में ही पल में निहाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। तो ध्यान रखो कि मंगलवार सबसे बलवान है, क्या है, किनके लिए, रोगियों के लिए, किनके लिए, दुखियों के लिए, वो बेघरों के लिए, कई बेघर बैठे हैं, देखो माँ किस लिए बुलाई, बेघर होके कहाँ कहाँ से आए, सूरत से आए, कहाँ से, सूरत से, वो कहाँ से आए, बिहार से, कोई कहाँ से आए, गुजरात से, तमें क्या थी आवेला, बॉम्बे, कितने हसमुख चेहरा देखो, हसमुखी सदा सुखी, हाँ वो देखो कितना बूढ़ा होने जा रहा, उम्र हो रहा है तो भी सुखी है, ये इतना जवान देखो कैसे हम कब सुखी हो सकते हैं, विचारों को बदलने के बाद जीवन को बदल सकते, कितना भी दुख हो उसको उठा के लात मारो और दुख की नहीं हो जैसे नाटक करो, नाटक करते समय मन में आएगा कि दुख तो है ही फिर कैसे नाटक करो, लेकिन जबरदस्ती सुखी हो जैसे नाटक करो वो नाटक का सुख असली सुख को लेके आ जाएगा आपके जीवन, तब आनंद ही आनंद हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। यही मंगल कामना करते हुए आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ।
सुरक्षित सुखी एवं समृद्ध रहें। यही प्रार्थना के साथ कल फिर नए विषय के साथ चाबी सफलता की लेके आएंगे, सुख का दरवाजा खोलेंगे। वंदे माता।